आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। गरीबों के मसीहा कहने वाले धनबाद के प्रसिद्ध समाजसेवी मुख्तार खान टीएमसी के धनबाद के उम्मीदवार होंगे। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता कर टीएमसी के राधे श्याम गोस्वामी, चुनाव प्रभारी टीएमसी रिजवान असलम सिद्दीकी जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि गरीबों के लिए यह समाज से भी जीता था, अब नेता बनकर उनकी सेवा करना चाहता है। नेशनल टुडे लाइव के माध्यम से आप जान पाएंगे आज के प्रोग्राम में मुख्य रूप से शेर खान, समीम अहमद, हाजी इकबाल अहमद, हाजी जमील आरिफ शामिल थे। नेशनल टुडे लाइव से सरताज की रिपोर्ट। देखिए समाज से भी मुख्तार खान क्या कह रहे हैं। और भी बहुत सारे कामों को हम लोगों ने किया और निस्वार्थ भावना से किया। अब तक मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, लेकिन ममता दीदी हमारे इस काम की एक्टिविटी को देख करके उन्होंने और राधे श्याम गोस्वामी साहब ने और रिजवान साहब ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पीठ पर डाल दी है। जब हम पावर में आ जाएंगे तो और हमारी सोशल एक्टिविटी और बढ़ेगी और लोगों को हम फायदा पहुँचाएंगे। लोगों के घर घर तक जा करके उनकी परेशानियों को हम लोग समझेंगे। मैं एक्चुअली नेता तो नहीं था, आज इन लोगों ने हमारे सर पे हाथ रख के नेता बना दिया। मैं कोशिश करूंगा और कोशिश के साथ पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं सारे काम करने की कोशिश। चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनाव का मुद्दा यही रहेगा कि पहले विकास, घर घर विकास होना चाहिए, घर की सारी परेशानियाँ होनी चाहिए। घर में इनके नाली, सड़क, बिजली, पानी ये सब नहीं है। लोगों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उस बेरोजगारी को हम लोग